सो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास हमने किया था लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमने प्रूफ भी किया था एंड हमने लास्ट में एक एग्जांपल भी उसका सॉल्व किया था. सो दिस क्लास वील बी स्टडिंग अदर डिस्ट्रीब्यूशन. वील स्टार्ट विथ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इन CS2 एंड आपको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा. टुडे वील गोइंग टू डू वील डू 2-3 न्यू प्रूफ्स. ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे एंड काफ़ी स्लोली करेंगे. सो यू विल हैव टू डू विथ मी. ऐसा नहीं कि आप खाली वीडियो देख रहे हो, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाना है. ठीक है, एंड मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है. तो एक बार आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, फिर एक बार आप अलग से खुद से सॉल्व करोगे, तब आपका ये प्रूफ आपको याद हो जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सो वी से दैट एक्स फॉलोज परेटो अल्फा कॉमा लैम्डा. ठीक है, तो ये मेरा अल्फा है एंड ये मेरा लैम्डा है. करेक्ट. सो आई से दैट एक्स फॉलोज अल्फा कॉमा लैम्डा. नाउ यू कैन जस्ट ओपन योर टेबल बुक एंड आप टेबल बुक देख के बता सकते हो कि इसका PDF क्या होगा. सो यू कैन जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, आपको इसका PDF मिल जाएगा. करेक्ट. सो इसका PDF FX इज रिटन एज अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लैम्डा टू द पावर अल्फा प्लस वन. करेक्ट. अब आप इसके एक्स के वैल्यूज़ को देखो कि कौन सा एक्स का वैल्यूज़ ये ले सकता है. सो यू विल सी दैट एक्स इज ग्रेटर दैन 0. ठीक है, तो यहाँ पे वी से दैट अल्फा. सो टू पैरामीटर्स वी हैव ओवर हियर व्हिच इज अल्फा एंड लैम्डा. सो अल्फा लैम्डा एंड एक्स ऑल 3 आर ग्रेटर दैन 0. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ये देखना है कि एक्स का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. फॉर दिस ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर पॉसिबल. करेक्ट. मूविंग ऑन, फर्स्ट प्रूफ इज टू प्रूव द CDF, टू टेक आउट द CDF. नाउ व्हाट इज CDF, जल्दी से देखो एक बार टेबल बुक में, मुझे बताओ व्हाट इज द CDF. जल्दी से टेबल बुक में फ्लिप करो पेजेस एंड बताओ व्हाट इज द परेटो का. आपको दो मिलेगा, एक टू पैरामीटर्स एंड 3 पैरामीटर्स. हम टू पैरामीटर्स कर रहे हैं अभी. सो व्हाट इज द CDF? CDF इज 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा. करेक्ट. ये हम लोग का CDF है, ये हम लोग का CDF है यहाँ पे. Now we have to prove, we have to find out this CDF. कैसे निकालेंगे? PDF is given and we have to find out CDF of Pareto distribution. कैसे ढूंढेंगे? बहुत सिंपल है, आपने किया है ये CT3 में या CS1 में. PDF दिया हुआ है तो हम लोग CDF कैसे निकालते हैं? अगर PDF दिया हुआ है हमें तो जल्दी से बताओ. वेरी सिंपल, ट्राई करो. सो वेरी गुड. FX इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? X का वैल्यूज क्या है? ग्रेटर दैन 0 है. करेक्ट. तो 0 से इन्फिनिटी FX जो हम लोग को दिया हुआ है, FX dx, 0 से इन्फिनिटी होगा कि 0 से कुछ और होगा? 0 से X होगा, बिकॉज हमें CDF निकालना है FX. तो 0 से x होगा. करेक्ट, 0 से x होगा. ठीक है, तो ये गलती बहुत जन करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है. इफ़ इट वॉज FY, CDF ऑफ y, देन 0 से लेके y तक. वेरी सिंपल. करेक्ट. तो FX dx, नाउ FX हम लोग को दिया हुआ है, वी हैव FX विथ अस. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय x प्लस लैम्डा होल टू द पावर अल्फा प्लस x dx. करेक्ट. तो ये हम लोग को दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं. नाउ x इज ग्रेटर दैन 0, तो याद रखना माइनस इन्फिनिटी से नहीं ले रहे हो, 0 से x ले रहे हो. चलो, नाउ लेट्स टेक आउट द वैल्यूज विच आर कॉन्स्टेंट्स एंड विच डज नॉट डिपेंड ऑन आर x वैल्यूज. दिस गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. I'm so sorry, 0 to x. And क्या हो जाएगा बताओ? Normally integrate करो, चलो बिना देखे.
सो दिस इंटीग्रेशन इज वेरी स्मॉल, इसको बिना देखे करना है. लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर, मैंने इसको न्यूमरेटर में ले लिया, अल्फा प्लस वन. सो नेवर कन्फ्यूज योर सेल्स विद द साइंस. ठीक है, सॉल्व करो मेरे साथ ही साथ. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, ज़ीरो से एक्स, इंटीग्रेशन हटा दें, इंटीग्रेशन हटा दें, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो. चलो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो. मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मिनट फॉर यू ऑल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन विच यू ऑल हैव टू डू. करेक्ट, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन विच यू ऑल हैव टू डू. सो आई एम वेटिंग फॉर वन मिनट कि आप खुद से ट्राई करो, इसको खुद से सॉल्व करो. आई होप आप लोग का हो ही गया होगा कंप्लीट अभी तक. चलो लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर हम क्या लेंगे, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ज़ीरो से एक्स. चलो सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ. आई नो मेरा अल्फा हल्का डिफरेंट होता है आप लोगों से, बट दिस इज़ माय अल्फा. ठीक है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, दिस इज़ माय अल्फा, आई राइट अल्फा लाइक दिस. करेक्ट, दिस इज़ माय इन्फिनिटी, तो दिस इज़ माय इन्फिनिटी एंड दिस इज़ माय अल्फा. चलो अल्फा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर बताओ. सबसे पहले तो अल्फा एंड अल्फा कट हो गया, दिख ही रहा है ये, तो इसको तो काट ही देते हैं सबसे पहले. अपने सॉल्व कर लो, लैम्डा टू द पावर अल्फा, लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा, ज़ीरो से एक्स. आराम आराम से करो, बिना देखे करो, मेरा देखो मत कि मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ, मेरा बिना देखे करो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रूफ विच वी आर डूइंग. करेक्ट, तो देखो अब x की जगह पे वी हैव टू सब्सिट्यूट, दिस इज़ ज़ीरो टू x ओनली. अगर आपको कन्फ्यूजन है, सो यू कैन टेक दिस एज एफ वाई ऑल्सो. करेक्ट, तो ये ज़ीरो से y हो जाएगा एंड x की जगह पे फिर आपको सब्सिट्यूट करना है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे आराम आराम से खाली हम लोग को इंटीग्रेट करना है, नथिंग एल्स. सो दिस बिकम्स लैम्डा प्लस एक्स मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ. लैम्डा माइनस लैम्डा टू द पावर अल्फा. करेक्ट, कर लो सॉल्व. अब दिख रहे आंसर आते हुए दिख रहे है, माइनस वन. ये हमारे एक माइनस कॉमन था विच वी फॉरगॉट, सो दिस विल बी माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस. देख लो, कर लो इसको सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व आराम से. आ गया हमारा एफ एक्स, आ गया हमारा सी डी एफ, बस आ गया सी डी एफ. वन माइनस लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस एक्स टू द पावर अल्फा, और वी कैन राइट दिस एज वन माइनस लैम्डा लैम्डा प्लस एक्स होल टू द पावर अल्फा. सो दिस इज नथिंग बट अ एफ एक्स. चलो देख लो, वेरी इजी प्रूफ, खुद से करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना टाइम लो, टाइम लेके आराम से करो सॉल्व. क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? आराम आराम से खुद से प्रूफ करना है. द नेक्स्ट प्रूफ वील डू इज वील फाइंड आउट द मीन, द एक्सपेक्टेशन. हो गया सबका, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन.
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. देख लो एफ एक्स मैच हो रहा है कि नहीं. यही था हमारा एफ एक्स. टेबल बुक से मैच हो रहा है कि नहीं देख लो. वेरी सिंपल. मूविंग ऑन नेक्स्ट वील प्रूव. द नेक्स्ट प्रूफ विच वी हैव इज एक्सपेक्टेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप देखो क्या दिया हुआ है, टेबल बुक देख के बताओ क्या दिया हुआ है. करेक्ट, लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन. एंड यहाँ पे आई वांट यू ऑल टू मेक मी अंडरस्टैंड कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्फा. अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. कैन दिस बी, कैन अल्फा बी लेस देन ज़ीरो. अगर लेस देन ज़ीरो है तो मीन नेगेटिव आ जाएगा. कैन अल्फा बी लेस देन वन. अगर वन से छोटा है अल्फा तो नेगेटिव आ जाएगा मीन. नेगेटिव मीन क्यों नहीं आ सकता. यहाँ पे परेटो का नेगेटिव मीन, नेगेटिव मीन तो हो सकता है ना, हमने पढ़े मीन कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एनीथिंग. बट यहाँ पे वाई नेगेटिव मीन इज़ नॉट पॉसिबल. बताओ, बिकॉज हमने क्या लिया था यहाँ पे, अगर आपको याद है तो एक्स का वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो. सो इफ यू हैव एक्स का वैल्यूज, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स आर ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स का मीन नेगेटिव कैसे हो सकता है. करेक्ट, सारे पॉजिटिव नंबर्स का मीन नेगेटिव कैसे हो सकता है. नहीं हो सकता. करेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्फा फॉर मीन. व्हेन वी कैलकुलेट द मीन वी टेक अल्फा टू बी ऑलवेज ग्रेटर दैन वन. अदरवाइज वन से छोटा है so you will get a negative mean which is not possible. Why? Because for all the positive values of x you cannot get a negative mean. Correct? So alpha ka value is greater than 1. Alpha ka value is greater than 1. Likh lo jaldi se. What is the reason? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको लिख भी सकते हो कि what is the reason why it is greater than 1. अब हम लोग expectation of x निकालेंगे. जैसे अभी हमने CDF निकाला है ना, प्रूफ किया है, वैसे अब हम लोग expectation निकालेंगे. एकदम सिंपल प्रूफ है, ये भी हल्का लेंदी है उससे पहले वाले से, बट देन अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल. सो वील स्टार्ट विथ कैसे निकालते हैं हम expectation. कोई भी चीज़ का, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम expectation कैसे निकालते हैं बताओ. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बताओ. करेक्ट, वी टेक दिस एज ज़ीरो से लेके कहाँ तक लेना है, फॉर ऑल द वैल्यूज ग्रेटर दैन ज़ीरो. सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एफ एक्स डी एक्स. करेक्ट, चलो स्टार्ट हो जाओ. एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है. एफ एक्स क्या है, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा एक्स प्लस लैम्डा अल्फा टू प्लस वन. अल्फा प्लस वन, करेक्ट करेक्ट, कर लो. करो इसको सॉल्व. कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको. तो वी कैन टेक कॉमन, दीज आर द कॉन्स्टेंट पोर्शंस विच वी कैन टेक आउट. नो नो प्रॉब्लम एट ऑल. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा को हम बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से. अंदर क्या बचा, x डिवाइडेड बाय x प्लस, ये हम लोग एक क्लास 12 का इंटीग्रेशन है जो हम लोग करते थे क्लास 12 में. व्हेन वी यूज टू डू इंटीग्रेशन, हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन हमने काफ़ी सॉल्व करा हुआ है. चलो बताओ, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय x प्लस लैम्डा टू द पावर अल्फा प्लस वन.
एंड यहाँ पे एक माइनस लैम्डा आ जाएगा. सो बेसिकली न्यूमरेटर में हमने प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा ले लिया, तो एक माइनस लैम्डा वाला टर्म भी आएगा. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? दिस एवरीथिंग डीएक्स. चलो अब कुछ समझ में आ रहा होगा ना कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बताओ. अब तो बहुत सिंपल हो गया. अब तो नॉर्मली वी कैन इंटीग्रेट दिस, राइट? अब तो नॉर्मली वी कैन इंटीग्रेट दिस. अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें कि एक और स्टेप ले लेते हैं? एक और स्टेप लेना है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है इसे? बताओ. दिस विल बी एक्स प्लस लैम्डा होल टू द पावर माइनस अल्फा माइनस, अच्छा इसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेते हैं. चलो दिस इज डी एक्स माइनस ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, अगेन दिस बिकम्स लैम्डा, लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा प्लस वन डी एक्स. करेक्ट? देख लो. करेक्ट? मेरे साथ साथ करते रहो सॉल्व ताकि बीच में अटको ना. डू इट विथ मी, मेरे साथ साथ सॉल्व करो. अब अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से. एक्स प्लस लैम्डा टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा प्लस वन. मैं काम करती हूँ, लेट्स टेक अ सेकेंड ब्रैकेट. तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक. प्लीज़ इसको फटाफट खुद से सॉल्व करो. क्या हो जाएगा ये? वेरी गुड. एक्स प्लस लैम्डा माइनस अल्फा और ये हो गया माइनस अल्फा. चलो सो वी आर नाउ हाफ वे थ्रू. वी आर नाउ हाफ वे थ्रू. आराम से सॉल्व करो, नो इशू एट ऑल. आराम से सॉल्व करो, नो इशू एट ऑल. आराम से एकदम. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ तक हो गया आपका कॉपी? क्या होगा बताओ? आराम से इसको अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे. प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन कभी एरर मत करना इसमें, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज द प्रूफ बिकम्स डिफिकल्ट. तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? माइनस अल्फा प्लस वन, दिस इज एक्स प्लस लैम्डा होल टू द पावर होल टू द पावर अल्फा माइनस वन. जस्ट बिकॉज हमने इसको डिनोमिनेटर में ले लिया, साइन गेट्स चेंज्ड. करते रहो मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो. कैन वी टेक दिस माइनस साइन आउट? कैन वी टेक दिस माइनस साइन आउट? कैन वी डू दिस? चलो इसको प्लस कर लेते हैं. नाउ दिस बिकम्स अल्फा एक्स प्लस लैम्डा होल टू द पावर अल्फा ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी. सॉल्व करो इसको. अब तो बहुत ही सिंपल प्रूफ बन गया ये. एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे. वन डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी टू द पावर अल्फा माइनस वन. इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया नीचे. वन बाय इन्फिनिटी इज वन बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो. सो दिस बिकम्स ज़ीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा? वन माइनस अल्फा. और ये क्या हो गया? अब हम लोग एक्स की जगह क्या सब्सिट्यूट करें? ज़ीरो.
सो लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, करेक्ट? ये आया सबका, ये आया सबका, मेरे साथ साथ करते रहो प्रूफ, मेरे साथ साथ करते रहो प्रूफ। ये क्या हो जाएगा, सेम थिंग, वन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो माइनस वन बाय अल्फा, बताओ ये क्या हो जाएगा, अगेन लैम्डा, ये तो ज़ीरो हो गया, टू द पावर अल्फा। इज इट करेक्ट नाउ, इज इट करेक्ट नाउ, करेक्ट? कर लो जल्दी से मेरे साथ साथ, अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा। यहाँ पे देखो, नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस, हम लोग इसको माइनस माइनस नलिफाई कर सकते हैं, लाइक वी कैन राइट वन माइनस अल्फा को हम अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस अंदर ले लें, दिस इज वन माइनस अल्फा एंड यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन है, तो इसको हम अल्फा माइनस वन कर दें, अल्फा माइनस वन कर दें इसको, बताओ अल्फा माइनस वन कर दें, कर देते हैं, चलो। सो नाउ वी कैन राइट दिस एज, वी कैन राइट दिस एज वन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन लैम्डा टू द पावर अल्फा माइनस वन, करेक्ट? करेक्ट। एंड इसका भी ब्रैकेट ओपन कर लूँ, लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा। कर लो इसको सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व, कोई इशू नहीं है, आराम से करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग दिस प्रूफ, तो इसको धीरे धीरे एक बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, एंड क्लास में एंड आफ्टर द क्लास जस्ट प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन एक बार, एंड वंस यू डू इट नाउ यू विल बी एबल टू मेमोराइज द एंटायर प्रूफ। एक्चुअली याद करने का कुछ है नहीं, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन हमें करना है, तो मेरे साथ साथ करो, आई एम गोइंग रियली स्लो फॉर यू ऑल, सो दैट आप लोग आराम से कॉपी कर पाओ स्टेप टू स्टेप, एंड मेरे साथ साथ रहो, डू नॉट वेट फॉर मी टू कम्प्लीट देन वापस आप वेट करोगे टू कम्प्लीट, नहीं, मेरे साथ साथ करो एंड देन वापस आफ्टर द क्लास खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, करेक्ट? चलो चलो, ये आया हमारा, अब इसके बाद जस्ट टू और थ्री लाइन्स मोर, ब्रैकेट ओपन कर दे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो वी हैव अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वन लैम्डा अल्फा माइनस वन, ठीक है, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कट होते हुए दिख रहा है, जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे सो दिस थिंग एंड दिस थिंग कट जाएगा, सो वी विल जस्ट लेफ्ट विथ माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा, देख लो देख लो देख लो, आराम से करो मेरे साथ साथ प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम में स्लो ही होगा। ओके, यहाँ पे भी कुछ कटते हुए दिख रहा है, सो दिस बिकम्स, दिस बिकम्स अल्फा, यहाँ पे देखो दिस इज टू द पावर, दिस इज टू द पावर अल्फा, दिस इज टू द पावर अल्फा एंड दिस इज टू द पावर अल्फा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, अल्फा माइनस वन, वेरी गुड, अब आ गए हम लोग, हो गया हम लोग का प्रूफ, वी हैव डन इट, प्रूफ हो गया, अब जस्ट सिंपली वील ओपन द एंटायर, वील टेक द एलसीएम, वील टेक द एलसीएम, क्या मैं सही ले रही हूँ एलसीएम, चेक करना मेरा, चेक करना मेरा, एंड सिंपली दिस बिकम्स, इसको काट दो, क्या यही था ई एक्स जो हमने ऊपर लिखा था टेबल बुक पे, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन वन, वेरी गुड,
आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, आराम से टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, हो रहा है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट करें, आराम से करो। एंड दिस वाज द सेकंड प्रूफ ऑफ टुडेज क्लास। पहले हमने सीडीएफ प्रूफ करा, फिर हमने एक्सपेक्टेशन प्रूफ किया, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अ कॉमन इंटीग्रल विच वील सॉल्व। तो पहले एक इसको ले लो जो हमें आगे काम आएगा, व्हेन वी लर्न रीइंश्योरेंस, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा हमें, जिसके बाद वाला प्रूफ हम करेंगे आज। इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से।